इमरजेंसी में यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने बुलाई है कांग्रेस ऑफिस श्रीनगर में हेडक्वार्टर में। ये कुछ इश्यूज पे जो हमने इश्यूज आगे कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो हम प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं कुछ इश्यूज पे, उनकी जो परेशानियां हैं, लोगों के जो मसलों मसाइल हैं, हम चाहते हैं कि उन मसलों मसाइल को गवर्नमेंट सीरियसली ले, संगीन तरीके से ले और उन पे कोई अमल करे। ऐसे ही पिछले 6 महीने से रोज़ कभी आप देखेंगे जम्मू में कांग्रेस का प्रोटेस्ट, कभी उधमपुर में, कभी श्रीनगर में, कभी कुठवा में, कभी सांबा में, कभी डोडा में, कभी रामबन में, कभी रजौरी पुंछ में। वजह क्या है? वजह ये है कि हम चाहते हैं कि जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोग हैं उन पे भारतीय जनता पार्टी जुल्म पे जुल्म कर रही है। हर आदमी के दरवाजे पे आजकल खून चूसने वाली सकिंग मशीन जिसको बोलते हैं स्मार्ट मीटर के तर्ज पे लगा दिया गया है, प्रीपेड स्मार्ट मीटर हर जगह लग गया। आप देखिए पोलों पे लग रहे हैं, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, औरतें प्रोटेस्ट कर रही हैं, बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, गरीब लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कोई एहसास इस सरकार को नहीं हो रहा है। वो कंटिन्यूअसली इंस्टॉलेशन कर रही है इन स्मार्ट मीटर्स का, और जिस आदमी की 600-700 रुपए बिल आ रही थी वो आज 5-5 हजार, 4-4 हजार, 6-6 हजार उस आदमी की बिल आ रही है। इसी के साथ अभी आपने देखा अशोक कुमार परमार जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से है और कमिश्नर सेक्रेटरी रैंक पे गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर में आईएएस ऑफिसर है, उन्होंने शेड्यूल कास्ट नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन में एप्लीकेशन दी और गवर्नर इंतजामिया और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ मुख्तलिफ किस्म के इल्ज़ाम लगाए। उन्होंने कहा कि 14,000 करोड़ का जो जल शक्ति मिशन है उसमें 700 करोड़ का जो है वो लूट हुई है, उसमें घोटाला हुआ है, और एक कमिश्नर सेक्रेटरी जो गवर्नमेंट में है वो इल्जाम लगा रहा है और गवर्नमेंट अपनी सफाई में सफाइयां दे रही है और उस सफाई से कुछ नहीं बनेगा। लिहाजा हमने उसमें प्रोटेस्ट प्रोग्राम शुरू किया है 19 तारीख से, एक डिस्ट्रिक्ट जम्मू में, एक डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में, श्रीनगर का एक डिस्ट्रिक्ट, जम्मू का डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद 20 तारीख को 2 डिस्ट्रिक्ट जम्मू और श्रीनगर का, इसी तरीके से कुठवा और गांधरबल 20 तारीख को, 21 तारीख को उधमपुर बांडीपुरा, 22 तारीख को रामबन पुलवामा, 23 तारीख को रियासी कुलगाम, 24 को सांबा और बड़गाम, 25 को रजौरी अनंतनाग, 26 को पुंछ और बारामूला, 27 को कश्तवाड़ और कुपवाड़ा, 28 को डोडा और शुपियां। इन जगहों पे हमारे प्रोटेस्ट हैं। मुद्दे क्या हैं? मुद्दा ये है जो घोटाला हुआ है जल शक्ति मिशन में उसकी CBI जांच हो और दूध का दूध पानी का पानी अलग हो और पता चले कि किस आदमी ने चोरी की है, कितना घोटाला हुआ है, पब्लिक मनी जो है टैक्स का पैसा है वो लूटा जा रहा है, तो उसके खिलाफ जांच हो और पता चले क्यों सरकार क्यों जांच नहीं कर रही है उस पर, अगर इतना बड़ा IAS ऑफिसर उसमें इल्जाम लगा रहा है। उसके बाद प्रीपेड स्मार्ट मीटर्स की मैंने बात कही, उस वो इशू है। उसके बाद हमने यहाँ पे एक बहुत बड़ा मिशन है, इशू है, जो अमेरिका से सेब आ रहा था, फ्रूट आ रहा था, और जो वहाँ पे जो बादाम आ रहे हैं उन पे जो टैक्सेस लगते थे, जो इंपोर्ट कस्टम ड्यूटी लगती थी, वो जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने G20 मीटिंग में वो हटाया। आप मुझे बताओ, पहले ही हमारे फ्रूट ग्रोवर्स ने बहुत सफ़र किया, बहुत परेशानी उनने झेली मिलिटेंसी में भी, और जो पिछले साल आपने देखा 15-15, 20-20 दिन उनकी ट्रकें जो है वो रोकी गई नेशनल हाईवे पे और उनका सारा फ्रूट खराब हो गया, सबसे ज़्यादा परेशानी उनको उठानी पड़ी। तो हम चाहते हैं एक फ्रूट ग्रोवर का जितना भी लोन है, जो लोन लेते के सी लोन
वो माफ किया जाए, और दूसरा जो अमेरिका को टैक्स इन्होंने हटा दिया उनके फ्रूट पे जो आएगा यहाँ पे, उस टैक्स को दोबारा लगाया जाए ताकि यहाँ के फ्रूट ग्रोवर्स को प्रॉब्लम ना आए, उनको बेचने में प्रॉब्लम ना आए। पहले भी उनकी रेटें जो है वो बिल्कुल कम है और उनको बहुत ज़्यादा घाटा हो रहा है। हमारे यहाँ ना नौकरियाँ लग रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है और एक्सट्रीम है, दुकानदारी जो है ठप हो चुकी है, ठेकेदारी ठप हो चुकी है, प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे है ही नहीं। अब एक ही गुजारा था हमारे पास, जो फ्रूट ग्रोवर है उनको सरकार को सीरियसली देखना चाहिए कि उनकी क्या प्रॉब्लम है। वो बहुत ज़्यादा है, कश्मीर की रीढ़ की हड्डी है एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, उस पर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं 19 से हर डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू और श्रीनगर के डिस्ट्रिक्ट में। हम चाहते हैं कि वो टैक्स जो है दोबारा लगे और हमारे लोगों को टैक्स की छूट मिले। इसी तरीके से जो गवर्नमेंट ने अभी जो गवर्नमेंट इंतजामिया में भी पास हुआ प्रॉपर्टी टैक्स, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन श्रीनगर में भी पास हुआ, जम्मू में भी पास हुआ, हम चाहते हैं कि अगर 75 साल से जम्मू कश्मीर में 75 साल से कभी प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगा था, क्या जरूरत पड़ी? जबकि आज लोग गरीब से गरीब हो रहे हैं, बिजनेस कहीं है ही नहीं, आप स्मार्ट मीटर भी इंस्टॉल कर रहे हो, कितना आप खून चूसोगे लोगों का, कहां से पैसा आएगा प्रॉपर्टी टैक्स? तो मैं कहता हूं कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है इमीडिएटली उस प्रॉपर्टी टैक्स को खत्म किया जाए। इसी तरह से जो पानी पे 300 रुपए का टैक्स लगता था साल का, आज 3000 से भी ज्यादा सरकार पहुंच गई है पानी के टैक्स में भी। इसी तरीके से जगह जगह टोल प्लाजा, आपने देखा जम्मू में कितनी लड़ाई चली सुरूर पुर टोल प्लाजा पे। पहले इन लोगों ने 50 रुपए से टोल शुरू किया, आज 200-300 रुपए टोल ले रहे हैं, और जो गाड़ियां थोड़ी ओवरलोड होंगी आप उनसे पूछ लो कितना पैसा लूट हो रहा है उन टोल प्लाजों पे। उनको भी टोल को कम किया जाए या टोल प्लाजा जो है, मैं तो चाहूंगा ऊंती पारा वाला भी उठ जाए। लोग बेचारे ड्यूटी को जाते हैं वापस जाते हैं, बीच में उनको टोल देना पड़ता है, जो लोकल लोग हैं परेशान किया जाता है उनको, तो टोल प्लाजा भी इन्होंने लगाए। उसी के साथ जो है ये हमारे 5-6 मुद्दे थे जिन पे हम 19 तारीख को कांग्रेस पार्टी जो है 19 तारीख से प्रोटेस्ट शुरू करने जा रही है। मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट को बाज आना चाहे, लोगों के खिलाफ जो पॉलिसियां बन रही हैं, जैसे इन्होंने गिरदवारियां लोगों की ख़त्म की स्टेट लैंड पे और डेमोलेशन ड्राइव शुरू किया, वो भी एक पब्लिक मुखालिफ कार्रवाई थी। प्रॉपर्टी टैक्स लोगों के खिलाफ है, स्मार्ट मीटर लोगों के खिलाफ है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये कश्मीरी और जम्मू के लोगों को गरीब से गरीब करने की पूरी साजिश है। जैसे एप्पल पे, अमेरिकन एप्पल पे टैक्स खत्म किया गया, ये भी वो साजिश है जिसके तहत लोग गरीब होंगे। सरकार को इन चीज़ों से बाज आना चाहे, वरना कांग्रेस पार्टी सड़कों पे थी, सड़कों पे रहेगी और लोगों की लड़ाई लड़ेगी। दूसरी बात इंप्लीमेंट किए, यहाँ भी 300 यूनिट जो है लोगों को बिजली के फ्री होंगे अगर कांग्रेस पार्टी आती है। अगर कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। कुकरनाग में जो हादसा पेश आया, कांग्रेस पार्टी की तरफ से एज ए प्रेसिडेंट और हमारी पूरी पार्टी के यूनिट की तरफ से हम उसको जितना जोर से उसको कंडम किया जाए उतना हम ज़बरदस्त तरीके से उसको कंडम करते हैं, और जो शहीद हुए हैं उनको यहाँ पे श्रद्धांजलि पेश करते हैं। और जम्मू कश्मीर सरकार और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये कहेंगे कि कम से कम जो आप दावे पेश करते कि हमने हालात सुधारे, हमने मिलिटेंसी फ्री किया, वो दावे जो है आपके खोखले साबित हो रहे हैं। आप ना माइनॉरिटियों को प्रोटेक्ट करते हो, ना आप जो कश्मीर में बाहर वाले लोगों के साथ इंसिडेंट हुआ उसको ठीक कर रहे हो। रजौरी पुंछ आपने पिछले साल जो है मिलिटेंसी फ्री करार दिया, लेकिन उसके बाद कोटरंका का इंसिडेंट हुआ, 10 सिक्योरिटी फोर्स वाले वहां मर गए। अभी कालाकोट में परसों हुआ, वहां पे एक सिक्योरिटी वाला, तीन पुलिस वाले जख्मी हुए, एक मिलिटेंट मारा गया, एक स्नैपर डॉग मारा गया। इसी तरीके से कुकरनाग में अभी भी झड़प जो है जारी है। तो मैं ये कहूँगा एक कंक्रीट पॉलिसी हो गवर्नमेंट की जिससे लोगों को परेशानी ना हो। लोग जो हैं उड़ी में आज हुआ, अभी मुझे पता नहीं, उन्होंने कहा उड़ी में भी हो रहा है मिलिटेंसी, इसका मतलब है कि मिलिटेंसी दोबारा जन्म ले रही है सरकार की गलत पॉलिसियों से। सरकार को चाहिए कि एक ठोस जामिया पॉलिसी सिक्योरिटी की तरफ से के साथ मिलकर बनाए ताकि मिलिटेंसी दफन हो जाए।